अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं, दैट इज सेट ऑफ सेट डिफरेंट. अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं, दैट इज सेट डिफरेंस या फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट. इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, लाइक दो सेट है ए और बी जिनका डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं हम, तो ए माइनस बी और ए स्लैश बी, किसी भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. इसका डेफिनेशन हम समझते हैं, इस तरीके से डेफिनेशन है इसका, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स. एक्स क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है जो कि ए माइनस बी को लाय करता है. वेयर एक्स क्या होगा, बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी. मतलब वो एलिमेंट जो कि हमारा सेट ए को तो बिलोंग करता है ओके, लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करता है. ठीक, सेट ए को तो बिलोंग करे बट सेट बी को बिलोंग ना करे, तो वो एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे क्या आ जाते हैं, डिफरेंस में आ जाते हैं, ए माइनस बी में आ जाते हैं. ठीक है, तो क्योंकि हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट्स जो कि हमारे बी में है, अगर हम देखिए इस तरीके से जो नोटेशन है ना, इस तरह से हम समझे ए माइनस बी लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ए में से हम किसको माइनस कर दें, बी को माइनस कर दें, मतलब जो ए सेट है इसमें से हम बी को रिमूव कर दें. ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं हम कि सेट ए में से सेट बी को हम रिमूव कर देंगे. तो सेट ए जो भी है उसमें अगर बी के कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास है, ठीक, या हम ये बोले कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है हम उनको हटा दें और केवल वो ही एलिमेंट्स रखें जो कि ए में. तो सेट ए माइनस बी हम क्या कर सकते हैं कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सब हम रिमूव कर दें, जो भी बी का एलिमेंट है वो ए माइनस बी को बिलोंग नहीं करेगा, सारे बी को हम रिमूव कर दें और क्या रह जाए हमारे पास, सेट ए के वो एलिमेंट्स जो कि बी को बिलोंग नहीं करते हैं. इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता, यहाँ पर एक सेट है हमारे पास 1 2 3, एक सेट है हमारे पास 3 4 5. ओके, अब देखो मेरे को क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है. मतलब क्या है कि ए में से हम बी के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दें, ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दें. तो ए है हमारा 1 2 3, बी है हमारा 3 4 5. अब हम चेक करेंगे क्या ए में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा है जो कि बी में भी है, बी को भी बिलोंग करता है. यस हमारे पास 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में है और बी में भी है. ए में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि बी को बिलोंग करता है, और हमको क्योंकि डिफरेंस फाइंड करना है तो हमको बी यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. इट मींस हमको ए में से जो एलिमेंट 3 है इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करना पड़ जाएगा. जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, 1, 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस. अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दो सेट है, सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 3 4 5, और मेरे को क्या फाइंड करना है यहाँ पर, डिफरेंस फाइंड करना है. तो मैंने पहले एक सर्कल बना लिया जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को रिप्रेजेंट करता है. ओवरलैप करते हुए एक और सर्कल हम बना लेंगे जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या कोई कॉमन एलिमेंट ऐसा है, तो यस यहाँ पे 3 क्या है, एक कॉमन एलिमेंट है. तो 3 मैंने ये वाला जो कॉमन पोर्शन है इसमें लिख दिया 3. रिमेनिंग क्या रह गया ए में, 1, 2, वो हम यहाँ पर लिख देंगे. और इसमें हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 4, 5, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे. और इसको हमने क्या कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया, क्योंकि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ए माइनस बी हम फाइंड करना चाहते हैं. यहाँ पर जब ए माइनस बी की हम बात करेंगे तो मीन्स ए में से मैं क्या रिमूव कर दूं, बी के सारे एलिमेंट्स को मैं यहाँ से रिमूव कर दूं. अब हम अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमारे पास ये पूरा पोर्शन क्या है, ए है ओके. और ये वाला जो इतना जो पोर्शन है, ये वाला बीच वाला, ये वो पोर्शन है जो एलिमेंट बी में भी है और ए में भी है. मीन्स ये पूरा पोर्शन ए है, लेकिन ये वाला वो पोर्शन है जो बी का भी पार्ट है. तो हम क्या, हमें क्या करना है, इस पूरे पोर्शन में से अगर मैं ये वाला पोर्शन रिमूव कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी.
तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है दैट इज द रिजल्टेंट वैल्यू. तो ए माइनस बी में शेडेड पोर्शन में क्या क्या एलिमेंट्स है हमारे पास, वन और टू. तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या मिलेगा, वन कॉमा टू. तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के थ्रू डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं और डिफरेंस को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं.